कैसे आप सब गाइस? कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हमारा स्किन जो है वो बहुत डैमेज हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है इसके अंदर, और कोई सिंपल सा इजी सा तरीका मिल जाए जिसको हम ट्राई करें और बढ़िया हमारा स्किन हो जाए. और कई लोगों के पास टाइम नहीं होता, कई लोग लेजी होते हैं मेरी तरह, भाई नहीं झंझट, इतना लंबा चौड़ा झंझट हम नहीं पाल सकते कि हम ये भी करें ये भी करें ये भी करें, इतने सारे प्रोसेसेस करें. एक सिंपल प्रोसेस चाहिए और जिससे हमारी स्किन जो है वो बहुत नरिश हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए. सो उसी चीज़ के लिए, उसी का मैं आज लेकर आई हूँ. बहुत ही ईजी बीजी सा हमारा स्किन केयर है और उसको गाइस ज़रूर ट्राई करना. और उसमें सब कुछ बिल्कुल नेचुरल 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 है, बहुत ही अच्छे हैं और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा, स्किन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी. यही है हमारा मकसद. सो यही है मकसद इस चैनल का यार, मतलब बढ़िया स्किन बनानी है सबकी और सबको खुश रखना है, मस्त रखना है. तो ये इसी मकसद से मैंने ये चैनल शुरू किया. एंड गाइस, मैं आपको ज़रूर बता दूं, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. और वहाँ पे जो मेरे हैंडल है वो भी सुरस्वीट के नाम से है. सो अगर आपने फॉलो नहीं किया ना, करो करो, जल्दी करो. और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये बढ़िया सा हमारा स्किन केयर है क्या. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे स्किन केयर पे. आप देख रहे हैं एकदम स्किन जो है वो बहुत डैमेज और बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रही है. तो पहला इंग्रेडिएंट है हमारा बढ़िया सी ये नेस्कैफे कॉफ़ी. कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं यार, कॉफ़ी तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, विंटर्स में तो मुझे कॉफ़ी बहुत ही पसंद है. और दूसरा इंग्रेडिएंट है मेरा ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें. थर्ड है मेरा लेमन. लेमन तो बहुत ही बढ़िया है, लेमन लाइम नींबू उसका रस लेना है क्योंकि बहुत अच्छा रहेगा स्किन के लिए. इसको मिक्स करना है और आपका बढ़िया सा स्क्रब है वो रेडी हो गया. और इसको अपने फेस पे लगाना है. पहले मैं थोड़ी देर इसको अपने पूरे फेस पे लगा के रखूँगी, 2 to 3 minutes. और ये मैंने क्योंकि लिया, कॉफ़ी जो है वो बहुत अच्छी होती है हमारे स्किन के लिए और उससे स्किन जो है वो जो डैमेज है मेरी स्किन वो ठीक हो जाती है. और लेमन मैंने इसलिए लिया, इसमें जो हमारी स्किन में जो भी टैनिंग हो रखी है या स्किन में कोई भी सन की वजह से डैमेज है वो उसको क्योर करता है, पिंपल्स को क्योर करता है. और ऑलिव ऑयल है या कोकोनट ऑयल है या आलमंड ऑयल है, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं. वो इसलिए ले रही हूँ कि जो हमारे नेचुरल नरिशमेंट चाहिए स्किन को, भाई ड्राई सीजन है या समर सीजन है, किसी में भी हमारे एक नेचुरल मॉइस्चर होता है स्किन का, उसको लॉक करने के लिए ये ऑयल जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. और जो भी ऑयल आपको सूट करता है आप उसको लगा सकते हैं. गाइज, इसको आप अपने लिप्स पे भी लगा सकते हैं. तो लिप्स का, फेस का, हर चीज़ का जो हमारा जो भी काम है बढ़िया सा इससे हो जाएगा. इसको रहने दें 2 to 3 minutes तक और उसके बाद हम हल्के हाथ से स्क्रबिंग करेंगे. सो मैं स्क्रबिंग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ. एंड बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से यू नीड टू स्क्रब वेल 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 और सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है. इससे सारे डेड सेल्स निकल जाएंगे. अब आता है, हमने वॉश कर लिया मेरे फेस, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है टोनर का. तो मैं इसमें रोज़ वाटर से पूरा फेस पे टोन कर रही हूँ और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ. स्क्रब के बाद गाइस मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो स्किन और ज़्यादा, क्योंकि हमारे पोर्स बिल्कुल ओपन है, तो उसको बिल्कुल सेटल आउट करना करने के लिए हमें टोनर लगाने की ज़रूरत है. और अब आप देख सकते हैं स्किन जो है उस पर ब्राइटन अप लग रही है ना. चंगा और आसान, बढ़िया हमारा स्किन केयर. भाई अब बढ़िया तरीके लाती हूँ मैं, डिफिकल्ट तो करना ही नहीं है यार. मतलब डिफिकल्ट भी हो तो अलग बात है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. सो इसमें आपको कोई बिल्कुल टाइम नहीं लगना और ईजी भी बहुत है, मस्त है तरीका. इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको जो स्किन है आपका उसके जो डेड सेल्स हैं वो निकल जाएंगे, आपका स्किन नेचुरली मॉइस्चराइज होगा और बहुत नरिश होगा. गाइस ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीच में क्या हुआ था मेरे साथ, मैं कई दिनों तक मैंने अपने स्किन का ध्यान नहीं रखा. सो स्किन जो है ना वो मेरा बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था और मैं मतलब घर वापस आई तो मुझे लगा यार बहुत डैमेज हो गया, मैं क्या करूँ. तो फिर मैंने इसको फॉलो किया, रेगुलरली फॉलो किया और इसको आप हफ्ते में 2 बार ट्राई करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. सो ज़रूर ट्राई करना और फ़ायदा होना तो कमेंट ज़रूर कर देना भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी पता चलेगा कि मेरे जो रेमेडीज़ हैं उसे कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी इसे कुछ फ़ायदा हो यार. सबको फ़ायदा दिलाने ही आते हैं, किसी का फ़ायदा हो जाए तो हमें, अगर मेरी मेहनत से किसी का और का फ़ायदा हो रहा है तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती. तब तक यारो मुस्कुराते रहो, चिल्ड आउट रहो, मस्त रहो, हमसे जुड़े रहो. टेक केयर, बाय बाय. सो गाइज, अगर आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो किसी भी रेक्टेंगल पे क्लिक कर सकते हैं. और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरी फोटो पे क्लिक करें और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें.